हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन शिमला इकाई के प्रधान प्रकाश बादल ने वन विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण में हुई धांधली को लेकर प्रदेश सरकार से जांच की मांग उठाई थी, जिस पर सरकार ने उचित कार्रवाई कर वन विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम प्रकाश बादल है, मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का स्टेट बॉडी का प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अधीक्षक के रूप में अधीक्षक ग्रेड टू के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत खुश हैं कि हमने जो मांग उठाई थी कि जो लोग असली जंगलों की रक्षा करने वाले लोग हैं उनको अवार्ड नहीं मिले, जो जल गए थे और उनको इवन उनके परिवार के लोगों को नौकरी की दर दर की वो ठोकरें खा रहे थे। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी बात सुनी है और जो लोग एक ऊना में जो थे और एक दूसरे फॉरेस्ट वर्कर जो भी हाल ही में वनों को की आग बुझाते जल गए थे उनको एज स्पेशल के सरकार ने नौकरी दी है, और साथ में जो करुणामूलक आधार की पॉलिसी है उसमें भी बड़ा बदलाव फेरबदल किया है कि जो अब एक्टिव ड्यूटी करते हुए जो जो भी शहीद होगा या जिसकी जान जाएगी उसको अब दर दर की ठोकरें लंबी कतार नहीं लगेगी, उसको अलग से जो है एज स्पेशल केस नौकरी मिलेगी। ये RNP रूल्स में भी बदलाव होने जा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम बहुत खुश हैं सरकार के निर्णय से, और माननीय जो हमारे मन मंत्री राकेश पठानिया जी उनसे हम मिले थे, उनसे भी उनके उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और पूरे हिमाचल के कर्मचारियों के लिए वन विभाग के जरिए करुणामूलक आधार के जो पॉलिसी में बदलाव होने से नौकरी के दरवाजे खुले ऐसे लोगों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।